दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अभी हम अजवा के लिए घर बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी आस्ता आस्ता आपको वीडियो भी दिखाते रहेंगे, और दूसरा अभी हमने इसकी छत डाल ली है, तो भी इंशाल्लाह बीच में भी इसके ये ऐसी वाले रॉड लगेंगे, और ऊपर फिर हम शीट डालेंगे, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। तो आपको आस्ता आस्ता मैं दिखाता रहूँगा जो पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो अभी नीचे अभी उसके लिए यहाँ पे मेन मकसद ये है घर बनाने का कि ऊपर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, गर्मी आ गई है, ठीक है। सर्दी में तो गुजारा हो रहा था, लेकिन अब धूप काफ़ी सख्त होती है, तो इसीलिए अभी उसके लिए हम यहाँ नीचे जगह बना रहे हैं बिल्कुल मुर्गियों के खानों के साथ। तो इंशाल्लाह आप वीडियो पूरी देखनी, आपको मज़ा आएगा। आस्ता आस्ता फिर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है। ये दुआ भी दें। मैं कह रहा कि अच्छे तो कामयाब हो फिर अब चादर जड़ी होती है लॉस बस ये था लेकिन फिर चादर इंज नहीं लगन लगी ये इंज लगती है। अच्छा जी दोस्तों, ये तार मैं ले आया हूँ, ऊपर
छत वाला फ्रेम सेट हो गया ठीक है, ये तार अभी मैंने इसको लपेटनी है ताकि ये और मजबूत हो जाए। तो अब ऊपर वो शीट उतारने गए हैं, इसके ऊपर हम ऐसे शीट डालेंगे, ऊपर ये वाली जो मिट्टी है ये हम छत पर डाल देंगे जिस तरह मैंने मुर्गों के छत पर डाली है ठीक है। तो एक तो ठंडी भी रहेगी नीचे इसकी जगह और गर्मी भी नहीं लगेगी और ऊपर से छत भी मजबूत हो जाएगी ठीक है। तो फ्रेम तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हमने लगा लिया और अभी इंशाल्लाह जब छत डलेगी और फिर इंशाल्लाह जब अजवा नीचे आएगी इसमें तो फिर भी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी ऊपर काफ़ी वो शोर कर रही है, गर्मी लग रही है उससे ठीक है, क्योंकि पिंडी में तो काफ़ी सख्त गर्मी हो गई है। तो हमने कहा कि इसके लिए अब नीचे घर बनाएं ठीक है। तो बस आधा घर उसका बन गया, तो अभी जब आधा इंशाल्लाह बन जाएगा तो फिर आपको उसको भी मज़ा आएगा और आपको भी देखते हुए मज़ा आएगा। तो अभी थोड़ी सी मेहनत है इस पर। अच्छा जी ये देखें जी, ये यहाँ पे भी सारी नीचे ईंटें लगेंगी ठीक है, और ऊपर आपको इनका छत दिखाता हूँ मैं। छत पे हमने सारी ये देखें मिट्टी डाल ली है ताकि गर्मी ना लगे, मिट्टी एक तो ठंडी भी होती है, ऊपर हमने घास भी इसके लगा दिए और मिट्टी इसलिए डाली है ताकि नीचे गर्मी ना लगे और मिट्टी की तासीर जो सी ठंडी होती है। एक दफ़ा मैं आपको छत से भी इसका व्यू करवाऊंगा। और ये हमने पूरी छत डाल दी है, मतलब काफ़ी मजबूत छत है। और ये दूर से व्यू आपको दिखाता हूँ मैं, अभी ये नीचे सारी इधर ईंटें लगाएंगे और वो देखें सारी हमने मिट्टी डाल दी है छत पे। ये आप देखें, ये देखें पूरी छत पे मिट्टी डाल दी है, जो मुर्गियों के खाने थे उसके साथ बिल्कुल बराबर हमने बना लिया छत। और इंशाल्लाह भी नीचे भी सेट हो जाएगी, दो तीन दिन हो गए इसको बनाते हुए, काफ़ी मेहनत थी। मिट्टी वाली वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि
कोई कैमरा मैन था नहीं तो। जी दोस्तों, ये अजवा का घर भी आज पाँच से छः दिनों के बाद तैयार हो गया पूरा। हमको एक वीक तकरीबन लग ही गया, ठीक है। ये वाला तरपाल देख रहे हैं, जो यहाँ पे खुड्डे बने हुए थे वो हटाए हैं, उसका तरपाल रह गया था। तो ये इसका तरपाल है और ये अंदर से उसका घर है। ये हमने नीचे मिट्टी के ऊपर ईंटें लगा दी हैं। एक तो यहाँ पे कोई पानी शानी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। जो लॉन वाला, ये लॉन वाला पानी जो था, ये हमने उसके लिए सुराख छोड़ दिया है और वो कॉर्नर पे, यानी ऊपर हमने पूरा प्लास्टर कर दिया और बस। और एक हुक वो लग गई है, एक ये लग गई है, ये टिंकू मिंकू के लिए लग गई है। और ये जौन सा ये अजवा के लिए हुक कल लगाई है, ये इंशाल्लाह कल तक पक्की हो जाएंगी। तो फिर इस नए उनका जो ताज महल है उनमें उनको छोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर काफ़ी धूप होती है। आज तो मौसम सेट है लेकिन कल से इंशाल्लाह। और ये इसकी छत हमने खुद ही तैयार की है, पूरी वीडियो इंशाल्लाह जब आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। ये देखें, पूरी छत इसकी तैयार हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको दूर से करके भी दिखाता हूँ कि इस कॉर्नर पे पहले आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि एक दरख्त यहाँ पे लगा था, एक वहाँ पे नींबू का लगा था। वो इधर वाला उतार दिया हमने, नींबू वाला हमने बाहर कर दिया और यहाँ पे जो सा है हमने ये एक कमरा उसके लिए बना लिया। तो वो होल देख रहे हैं, ये लॉन का जितना पानी होता है वो होल से अंदर जा के बाहर गली में निकल जाता है, ठीक हो गया। और बाकी ये सेटअप तो आपने देखा ही हुआ है। एक मुर्गी यहाँ पे अंडों भी बिठाई हुई है, एक उस खाने में और एक ये सीढ़ियों के नीचे खाना है, उसमें मैंने मुर्गी बिठाई हुई अंडों पे। तो ये हो गया। और ऊपर वो मिट्टी भी देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये देखें, काफ़ी मेहनत लगी है इस पर। नज़र तो यही आता है वीडियो में कि आसान बना, लेकिन ये देखें इस पर भी हमने सारी मिट्टी डाली है। बस इसको भी थोड़ा सा सीधा करना है। और बाकी जिस तरह वो मेरे मुर्गियों के खानों के छत के ऊपर मिट्टी है, यहाँ पे भी डाल दिया ताकि कोई सर्दी गर्मी का चक्कर ना रहे। तो अभी गर्मियों में ठंडी हो जाती है और सर्दियों में ये गर्म हो जाती है। तो ये छत है इसकी, यानी काफ़ी हमने मज़बूत काम किया। ये देख रहे हैं पूरा बहुत ही खूबसूरती से आया। अब थोड़ा सा दूर से भी दिखाता हूँ आपको मैं, ये देख रहे हैं ये। अच्छा जी दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट व्लॉग आएगा, जितने भी हमारे घर पे पौधे लगे हैं उस पर आएगा। ये आज हम कुछ नए भी लाएंगे, ये देखें, ये देखें, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इस पर आएगा।